एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम सम्मेलन इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो गई है और ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर शुरुआत हुई आज से दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत की। प्रदर्शनी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवानों से बातचीत की, कहा कि आपकी सेवा के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदर्शन में एयरटेल ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोड़ा गया। जवान करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। आप लोग ठीक हो? यस सर। कैसा सर, कैसा लगा आपको ये टेक्नोलॉजी, कैसा लगा? सर मैं हरेंद्र नरेश बिसोई रिमकिम डेट उत्तराखंड में तैनात हूँ। श्रीमान एयरटेल वार्मअप के लगने के पश्चात फॉरवर्ड एरिया में तैनात हमारे जवान आसानी से अपने परिजनों से बात एवं वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के उद्घाटन दिवस पर कम्युनिकेशन मिस्टर ज्योतिरादित्य मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एरिक्सन के बनाए हुए 5G रोबोटिक डॉग रॉकी के साथ बातचीत की और इस 5G रोबोटिक डॉग को इमरजेंसी में मुश्किलों से निकलने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ही रोबोट जो डॉग है वो आग फैलने जैसे हालातों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से भी लैस है और ये हर स्थिति में लोगों को बचाने में मदद कर सकता है। देखिए तस्वीर आपको दिख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है।